नमस्कार, एसएनजेड न्यूज इंडिया देख रही दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। दिग्गज उद्योगपति और बाजवा समूह के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का 83 साल की उम्र में हुआ निधन। आईपीएल के इतिहास के दूसरे सबसे महंगे भारतीय बने ईशान खान, मुंबई इंडियन ने 15.25 करोड़ में खरीदा। ममता बनर्जी और उनके भतीजे के बीच तलख होते रिश्ते, बीच में फंसे चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में डबल भ्रष्टाचार हो रहा है। आजम खान पर मुकदमों को लेकर अखिलेश ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। कन्नौज में सपा पर बरसे पीएम मोदी, बोले पहले चरण के बाद घोर परिवारवादी काफी टेंशन में है। दिल्ली में हुआ बड़ा हादसा, जेजो कॉलोनी इलाके में बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की हुई मौत, कुछ हुए घायल। उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनाव में जुरंधर पश्चिमी द्वारा दाखिल नामांकन पत्रों में झूठे दस्तावेज दाखिल करने और गलत जानकारी देने पर आप उम्मीदवार शीतल अंगुराल के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश। लुधियाना के मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने हिजाब विवाद पर किया बड़ा ऐलान, धर्म के नाम पर विभाजनकारी पार्टियों का होगा बहिष्कार। सीएम चेहरे की रेस में पिछड़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के प्रचार अभियान से गायब होने पर पत्नी ने दिया बयान। बॉलीवुड अभिनेत्री विवादों में सोनम कपूर घिरी, बोली पगड़ी बांध सकते हैं तो हिजाब क्यों नहीं। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए एसएमजेड न्यूज इंडिया।